हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त विराजो यूनिवर्सल का होस्ट, द वन एंड ओनली वन टॉकेटिव बॉय। आज हम बात करने वाले हैं एक रहस्यमय जगह के बारे में। वैसे तो हमारी सृष्टि अनेकों अनेक रहस्य से भरी पड़ी है। इत्तेफाक से कई रहस्य लोगों के सामने भी आए हैं, लेकिन आखिरकार क्यों है यह जगह रहस्यमय? क्या है इस जगह का नाम और कहाँ स्थित है यह जगह? आइए जानते हैं। 50 किमी क्षेत्रफल में फैली यह जगह मेक्सिको के चिहुआहुआ रेगिस्तान में स्थित है। यह जगह सन 1938 में एक उल्कापिंड गिरने के बाद लोगों के ध्यान में आई थी। उसके कुछ साल बाद यानी कि सन 1954 में जब दूसरी बार यहां उल्कापिंड गिरा, तब यह जगह लोगों के जहन में कुछ ज़्यादा ही आने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करता। और यह पता तब चला जब अमेरिका का एक टेस्ट रॉकेट अचानक से यहाँ धराशायी हो गया था। वैज्ञानिक जब जांच पड़ताल करने पहुँचे, तब उनके GPS और दिशा सूचक यंत्रों सहित उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया था। सन 1966 में जब एक ऑयल कंपनी यहाँ तेल की तलाश में पहुँची, इस दौरान तेल की खोज के लिए उपयोग में लिए जाने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने भी काम करना बंद कर दिया था। साथ ही कोई भी रेडियो सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। तब से यहाँ पर जोन ऑफ साइलेंस का लेबल भी लगाया गया है। लोगों का एक वर्ग ऐसा भी है जिनका मानना है कि एलियंस की मौजूदगी के कारण यहाँ इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। हालांकि इसका ठोस सबूत अभी तक नहीं पाया गया। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत से रिसर्च के बाद यह बात सामने आई कि यहाँ पर मैग्नेटिक गुण होने के कारण इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। हालांकि वहाँ के स्थानिक मीडिया की माने तो यह सिर्फ यात्रियों से पैसे हड़पने की साइट है। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपको हमारा और हमें आपका इंतज़ार रहेगा।